और अब किसान आंदोलन से जुड़ी खबर, क्योंकि आज 23वां दिन हो चुका है। सिंघू और गाजीपुर बॉर्डर पर किसान अब भी डटे हुए हैं। किसानों को मनाने के लिए सरकार की तमाम कोशिशें नाकाम हो रही हैं। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने चिट्ठी भेजकर बकायदा किसानों को समझाने की कोशिश की है कि आखिरकार ये कानून उनके हक में कैसे है। आज पीएम मोदी मध्य प्रदेश के किसानों से बात करने वाले। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, कृषि मंत्री, सारे के सारे मंत्री किसानों को यही समझाने में जुटे हैं कि नया कानून उनके हित में है। किसी भ्रम में न पड़े, बदलाव के साथ बेहतरी के लिए आगे बढ़ें। आज प्रधानमंत्री फिर यही करने वाले हैं। पीएम मोदी आज मध्य प्रदेश के किसानों से रूबरू होंगे। एमपी के किसानों से पीएम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ेंगे। दोपहर 2 बजे प्रधानमंत्री मोदी किसानों को संबोधित करेंगे। प्रदेश के करीब 23,000 ग्राम पंचायतों में इस चर्चा का प्रसारण होगा। मुख्यमंत्री शिवराज खुद रायसेन में किसानों के साथ मौजूद रहेंगे। जिला मुख्यालय में मंत्री विधायक किसानों के साथ मौजूद रहेंगे। इसी दौरान 1600 करोड़ की राहत राशि 35 लाख किसानों के खातों में भेजी जाएगी। पीएम से पहले कल कृषि मंत्री तोमर भी किसानों से अपील कर चुके हैं। तोमर ने बाकायदा किसानों के नाम एक चिट्ठी जारी की। इसमें लिखा है, एमएसपी जारी है और जारी रहेगी। मंडियां चालू हैं और चालू रहेंगी। अग्रीमेंट फसलों के लिए होगा, जमीन के लिए नहीं। किसान जब चाहें करार खत्म कर सकते हैं। कृषि कानूनों पर भ्रम फैलाया जा रहा है। किसान सफेद झूठ को पहचाने और खारिज करें। तोमर की चिट्ठी पर पीएम मोदी ने भी मुहर लगाई है। ट्वीट करके पीएम ने किसानों से चिट्ठी पढ़ने की अपील की है। किसान अपनी उपज को मंडी के अलावा अगर कहीं बाहर बेचना चाहेगा, उस पे किसी भी प्रकार का कोई टैक्स नहीं लगेगा। यह गारंटी देने की एक व्यवस्था इसमें की जा रही है। लेकिन भाइयों बहनों, गुमराह करने का प्रयास ये विपक्ष और कुछ चुनिंदा लोग, जिन्हें भारत की प्रगति और किसानों की प्रगति और किसानों की खुशहाली अच्छी नहीं लग रही है, वे लगातार गुमराह करने का कार्य कर रहे हैं। किसान आंदोलन के जवाब में सरकार कानून के समर्थन की रणनीति पर काम कर रही है। ज्यादा जोर इसी बात पर है कि जो किसान धरने पर बैठे हैं, उन्हें राजनीति के लिए बहकाया गया है। आंदोलन में विदेशी हाथ और एंटी नेशनल तत्वों की घुसपैठ को लेकर पहले से ही बयानबाजी चल रही है। दिल्ली से पंकज जैन और अनिश माथुर के साथ आज तक ब्यूरो। किसानों आंदोलन पर और ज्यादा जानकारी के साथ हमारी संवाददाता अनीशा माथुर इस वक्त जुड़ गई हैं सिंघू बॉर्डर से। अनीशा, ये जो तमाम बातें अब चिट्ठी के जरिए लिखी गई हैं, पहले मौखिक तौर पर कही जा रही थी, लेकिन क्या अब लिखित तौर पर दिए जाने से कोई फर्क पड़ेगा इस आंदोलन पर? किसान मानेंगे? देखिए, यहाँ पर सिंघू बॉर्डर पे किसानों की सुने तो इस चिट्ठी से इनफैक्ट वो और नाराज ही हुए हैं। वो यही कह रहे हैं कि हम इतने दिन से जो बात कह रहे हैं, जो मंत्रीगण जो बात कह रहे हैं, उससे ये साफ हो रहा है कि सरकार हमसे बात करने को तैयार नहीं लग रही है। इनफैक्ट ये खासतौर से क्योंकि कल सुप्रीम कोर्ट ने भी अब कह दिया है कि बातचीत से आपको रास्ता निकालना होगा। किसान भी यही कह रहे हैं कि जब हम अगर आप बातचीत को तैयार हैं, तो फिर आप ये क्यों कह रहे हैं कि हम गलत हैं? और कल जो जो चिट्ठी लिखी गई है कृषि मंत्री के द्वारा, उसमें कृषि मंत्री ने एक बार फिर यही समझाने की कोशिश की है कि यहाँ पर कि कृषि कानूनों से किसानों का कोई कुछ बुरा नहीं होगा, एमएसपी और मंडियां जारी रहेंगी। लेकिन ये बात बार बार जो सरकार कह रही है, वही उसी बात को किसान मानने को इतने दिनों से तैयार नहीं। वो यही कह रहे हैं कि आप जो कह रहे हैं वो हम नहीं मान सकते, क्योंकि हम देख रहे हैं कि मंडियां और राज्यों में मंडियों का काम कम हुआ है। हम चाहते हैं कि आप एमएसपी की गारंटी दीजिए। और इसी बात पर इतने दिनों से ये जो आप देख रहे हैं स्टैंड ऑफ जो चल रहा है किसानों और सरकार के बीच में, और अब ये जो चिट्ठी आई है उससे ठीक उसमें है। दोबारा सरकार बहुत बहुत शुक्रिया अनीशा इस तमाम जानकारी के लिए। नमस्कार, मैं हूँ अंजना ओमकश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।